सर थैंक यू देखिए, मैं मेरा पहला घर तो जू विले बाल स्कीम में ही पहला घर वहीं ख़रीदा मैंने। वैसे जो पहले तो मैं अपने माँ बाप के घर में रहता था चम्बूर में, तो पहला घर मैंने जू विले बाल स्कीम में ख़रीदा। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी का यही होता है कि उसका एक घर हो, जैसे बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, और मकान बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि आप लोग वर्ल्ड वाइड जाते तो उन लोग इतना उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर हमारे लिए हिंदुस्तानियों के लिए एक घर बहुत बड़ी चीज़ है। और घर को सजाना, और एक अच्छी पत्नी होती है आपकी तो वो घर को संभालती है, वो संवारती है। और मेरे ख्याल से और ऐसा प्रोडक्ट हो जो जिसका मैं ये रहा हूँ, आप खड़े हैं, इनसे पूछिए प्रोडक्ट के बारे में, पूछ रहा हूँ जो प्रोडक्ट है। हाँ जी, जी आपको अगर खूबसूरती के लिए और कन्वीनियंस के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा सा रीज़नेबल भी होना। आजकल ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है, उसको रीज़नेबल होना चाहिए प्राइस में, और कन्वीनियंट होना चाहिए, एंड इट हैज़ टू बी ड्यूरेबल, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड इट हैज़ टू लुक ब्यूटीफुल आल्सो। ओके गाइस, वी आर रिलीजिंग अ न्यू कलेक्शन ऑफ आई मार्बल हियर, सो फर्स्ट वी लेट सुनील जी स्पीक अबाउट आई मार्बल एंड देन अनिल जी विल ऐड। सी ही विल लीव इट, डोंट वरी, डोंट वरी, ही विल। ओके अनिल जी, व्हाट आर द थ्री थिंग्स यू लुक इनटू व्हेनेवर यू बिकम अ पार्ट ऑफ एनी ब्रांड और एसोसिएट योरसेल्फ? सॉरी, व्हाट आर द थ्री थिंग्स यू लुक इनटू व्हेनेवर यू बिकम अ पार्ट ऑफ एनी ब्रांड और एसोसिएट योरसेल्फ विद एनी ब्रांड? नो, एट द मोमेंट आई एम, यू नो, फॉर मी द पीपल आर मोर इंपॉर्टेंट एंड व्हाट दे आर, सो वंस आई मीट दोस पीपल and obviously when the people are very important who are behind this product, you know, and of course, and this is a product which is made in India, which is fantastic, and it's world class. It has got a European technology but is made in India, so I feel very proud. That's the reason I'm associated with it. Okay, how proud do you feel in somebody like Anil Kapoor representing your brand? We are feeling very proud. Yeah, I'm Abel. That's the future of the product. Excuse me, he's still talking. We unveiled the product. I have our new collections. अच्छा अनिल जी, डेफिनेटली आपके ढेर सारे फैंस हैं, पर ऐसे इवेंट पे जाना और इस तरह से सेल्फीज के लिए जो बॉदर करते हैं स्टार्स को, सेलिब्रिटीज को, कितना परेशानियों का सामना आप लोगों को भी करना पड़ता है? और भीड़ में थे, मुझे तो मजा आता। अनिल सर, इसकी खबरी आ रही है कि सोनम ने नया घर लिया है, तो आप उसको किस तरीके से हेल्प करना चाहते हैं? मैं, अरे उन लोग मुझे हेल्प करते हैं, मैं क्या हेल्प करूँगा? अच्छा सर, पैसे की बात कर रहे सर, 500,000 की नोट बैन हो गई है, कैसे देखते हैं आप इसे? आई थिंक, आ जाओ, तुम खुद जाओगे यहीं पे, आ जाओ, लो, जवाब पूछो, 10 बार चला किया, सर, सर, 500,000 की जो नोट बैन हो गई है, किस तरह से देखते हैं आप?
जी बैन तो नहीं हुए हैं, मतलब ऑब्वियसली दिस इज आई थिंक समथिंग इज ग्रेट फॉर आर फ्यूचर फॉर आर कंट्री. थोड़ी सी दिक्कत होगी इनिशियली बट अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर द कंट्री. या डेफिनेटली यू सी ये तीन चार एक हफ्ता दस दिन तो थोड़ी तकलीफ तो होगी, तो उससे कलेक्शंस में फ़र्क तो पड़ेगा. यू सी एंटरटेनमेंट इज समथिंग विच इज ऑलवेज whenever this kind of things happen, internet में फ़र्क तो पड़ता है. एंड आई एम श्योर उसमें रेस्टोरेंट बिजनेस में भी फ़र्क पड़ा होगा, तो उसी तरह यू नो काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ा है. तो ये एक दस दिन ऐसा चलेगा, बाद में आई थिंक विल कम बैक टू नॉर्मल होपफुली. हम लोगों ने अनिल कपूर को देखा है कि ये सबसे ज़्यादा लास्टिंग है, इनका फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्पैन है और आई मार्वल भी उसी टाइप का प्रोडक्ट है. दैट्स व्हाई ये चोजन कि आई मार्बल का बहुत अच्छा फ्यूचर है. लगाने के बाद आदमी टेंशन फ्री हो जाता है. मार्बल लगाता है उसको रोज़ कुछ ना कुछ टेंशन होती है, उसमें कई प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी प्रॉब्लम्स हमने इसमें आई मार्बल दूर करी है. इट्स अ टेक्नोलॉजी मेड मार्बल, दैट इज द वी कैन टेक सो इंटेलिजेंट मार्बल आई मार्बल इज. थैंक यू सर. आप बोलता